गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में, एक और नए दिन में। और जैसा कि आपको पता है, कल हम यहाँ पहुँच गए थे, दिल्ली से चले थे हम बाबा का नाम लेके। ये है अपने ओली से पहले जोशीमठ से ऊपर तकरीबन 4 किलोमीटर, और बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट है। खूबसूरती के साथ यहाँ के ओनर भी अच्छे हैं और स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पिंग है, काफी खूबसूरत है, और साथ में ही खाना भी काफी अच्छा है। बढ़िया खाना था, डिनर वगैरह अच्छा हुआ। अभी ब्रेकफास्ट करूंगा मैं, आपको वो दिखाऊंगा, काफी वैरायटीज हैं ब्रेकफास्ट में भी, कॉम्प्लीमेंट्री था रूम के साथ। और ये हमारा ऊपर रूम है सेकंड फ्लोर पे, और जो सबसे खूबसूरत चीज आती है यहाँ पे रहने की, तो ये आप मेरे पीछे देखिए, जब आप सुबह उठते हैं तो आपको उठते ही ये नज़ारा मिलता है। इस चीज के लिए वर्थ है यहाँ आना। तो ये कुछ हमारा स्टे था, इस तरह का रूम मिला है। हो गए हम तैयार, अब निकलते हैं नाश्ते के लिए। तैयार हो गए हैं और दिखाते हैं यहाँ पे रिजॉर्ट में नाश्ते में क्या क्या मिलता है। ब्रेकफास्ट इंक्लूड है, और कुछ व्यू ऐसे आते हैं यहाँ पे इस व्यू के साथ। तो जो ऑप्शन अवेलेबल हैं दोनों ही बढ़िया हैं, फेवरेट। अभी ऑमलेट बन रहा है और इस तरह चीज़ें हैं, पोहा वगैरह भी है, पोहा ब्रेड ऑमलेट। अरे तब तक इनको इस व्यू के साथ दोनों एंजॉय करते हैं। पराठे आ गए, ऑमलेट आ गया, कॉर्नफ्लेक्स हो गए, और अभी थोड़ा सा पोहा और लेंगे, अपना ब्रेकफास्ट देर हो जाएगा। ब्रेड ब्रेड में लेंगे पोहा करके। हैवी ब्रेकफास्ट हम निकल लिए अपने सफर में, और आज हम दर्शन कर लेंगे बद्रीनाथ में, और साथ में ही जो इंडिया का लास्ट विलेज है मानना विलेज, वो भी एक्सप्लोर करेंगे। सिंगल डे में दोनों चीजें हो जाएंगी। और इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत खूबसूरत नज़ारे, जो 40 किलोमीटर का सफर है जोशीमठ से लेके मन्ना विलेज तक का। रास्ता खराब है, 50 मीटर का है, जो बना नहीं है। अगर आपको ऐसा ही व्यू चाहिए और आपको रिजॉर्ट वगैरह नहीं कराना है कॉस्टली, तो यहीं पे बगल में ही होम स्टेज भी हैं। जैसे ये 0 डिग्री होम स्टे है ऊपर और नीचे, काफ़ी होम स्टे हैं, और खुद के आप टेंट ला के भी स्टे कर सकते हैं। तो जैसे ये होम स्टे में ही थे बच्चे, ये पूरा ग्रुप है। ये रास्ता ओले जा रहा है, इन्होंने भी ऊपर स्टे किया होगा। ये रास्ता जा रहा है ओली, और सीधे जा रहा है नीचे। श्रीकंठ होम स्टे, ये उतराए हम नीचे ओली वाले, जहाँ स्टे से हमारा 503 है दिल्ली यहाँ से। अभी तो यहाँ से आपको देख लीजिए, ऋषिकेश 254 है, हरिद्वार 275 है, देहरादून 294 है, श्रीनगर 146। अब निकलते हैं हम बद्रीनाथ की तरफ। ये नीचे है बद्रीनाथ, इधर सारी चीज़ें। ये है जी जोशीमठ, और पर्यटक आवास ग्रह, नरसिंह टेम्पल, श्री बद्रीनाथ, और हेमकुंड साहिब नीचे को। ये है जोशीमठ, कुछ ऐसा खूब होटल है, होटलों की कोई कमी नहीं है इधर, और वाइन शॉप भी हैं जोशीमठ में। अगर आप होटल ले रहे हैं तो एक बार अच्छे से कंफर्म कर लें कि उनके पास पार्किंग है या नहीं, अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी होटल ऐसे हैं जिनके पास पार्किंग नहीं है। बद्रीनाथ जाते टाइम जोशीमठ से ये नज़ारे आते हैं। इतने रोड टूटे हैं जो त्रास दिया है।
रास्ता तो बहुत अच्छा बना रखा है, हम बद्रीनाथ जा रहे हैं अभी। बद्रीनाथ के लिए आपने अगर रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो आप सीधे निकल जाइए चेक पोस्ट से, नहीं तो आपको यहाँ से करवा लेना चाहिए, यहाँ से करवाना पड़ता है मैंडेटरी अगर आपने नहीं करवाया ऑनलाइन। एक एक गाड़ी की स्कैनिंग हो रही है नंबर प्लेट के साथ कि भाई कितनी गाड़ी एंटर कर रहे हैं, पूरी काउंटिंग हो रही है वाला। और यहाँ पे आर्मी की बड़ी गाड़ी, हाँ जी सर, ये नोट कर रहे हैं, मैनुअली नोट कर रहे हैं सारा। तो हमारी हो गई है एंट्री, हम मानना के लिए निकल लिए क्योंकि 3 बजे दर्शन होंगे। बद्रीनाथ टेंपल और मानना विलेज अगल बगल में ही हैं और दर्शन 3 बजे होने थे, हम पहले आ गए थे तो इसलिए हम पहले मानना विलेज गए घूमने के लिए। हमारी किस्मत कितनी अच्छी रही, मानना विलेज पे पहुंचते ही स्नोफॉल शुरू हो गई, लाइव स्नोफॉल। वाओ, देख रहे व्यू, देख तो मानना विलेज पहुंच गए हम, यहाँ से मानना विलेज की एंट्री है, वो पूरा गाँव है। और वहाँ पे इन ग्रीन सेट्स के बाद ये आर्मी के टेंट था, ऊपर जो व्हाइट कलर में दिख रहा होगा ये यहाँ पे ही वो जो लास्ट पॉइंट है चाय की दुकान वो है। तो यहाँ से जाना होता है, गाड़ी कहीं खड़ी कर दो, आप अंदर अंदर तक जाओगे, पूरे माना विलेज के अंदर से क्रॉस करोगे फिर वहाँ पहुँचोगे।